नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है EPF अलर्ट ऐप, उसको भी प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एप्लीकेशन निकाले गए सीनियर मैनेजर, मैनेजर कंप्यूटर प्रोग्रामर और बैंकिंग असिस्टेंट के लिए, और इसके लिए टोटल 635 नंबर ऑफ़ वैकेंसी जारी की गई हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी सारी वैकेंसीज एक साथ जारी की गई हैं, जो 635 साथ ही ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरी जाएगी। इसकी जो एप्लीकेशन है उसकी स्टार्टिंग डेट है 18 अक्टूबर 2023, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 17 नवंबर 2023। तो 18 अक्टूबर से इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसके लिए जो ज़रूरी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी भी जानकारी मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू दूंगी। तो बढ़ते हैं नोटिफिकेशन की तरफ, जो इनके द्वारा जारी किया गया है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन है, आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जो एज लिमिट है अप्लाई करने की वो 18 से 40 साल। इस तरह से आप कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी यहां पे मिल जाएगी। जो एप्लीकेशन फ़ीस है तो वो सामान्य वर्ग व क्रीम लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये, और जाति अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए है 400 रुपये। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस है। उसी के साथ यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर्स की जानकारी भी गिवन है, जिसको आप देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, साथ ही यहाँ पे पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन गिवन है। तो सीनियर मैनेजर के लिए MBA डिग्री होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश्ड हो लॉ के द्वारा इंडिया में, साथ ही 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन के साथ। और मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए यूनिवर्सिटी जो इस्टेब्लिश्ड हो लॉ इन इंडिया के द्वारा, और इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए बीटेक, बीई, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, एमसी और एमएससी होनी चाहिए, और 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उसकी ज़रूरी क्वालिफिकेशन इस तरह से देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो इनके द्वारा जारी किया गया है, तो अप्लाई करने से पहले आप ज़रूर इसको गो थ्रू करें। साथ ही यहाँ पे इस तरह से बैंक के हिसाब से और पोस्ट के हिसाब से उनका पे स्केल गिवन है। तो सीनियर मैनेजर का पे स्केल है 43,830 से 94,900। उसके बाद आप इस तरह से देख सकते हैं, पोस्ट वाइज यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। कंप्यूटर प्रोग्रामर का जो है वो है 34,090 से 87,370। मैनेजर का है 34,090 से 87,370। बैंकिंग असिस्टेंट का है 17,070 से 80,230। तो आप इस तरह से पे स्केल भी चेक कर सकते हैं। जो डिटेल नोटिफिकेशन है जो इनके द्वारा जारी किया गया है, तो आप इसको ज़रूर गो थ्रू करें। इससे रिलेटेड अपडेट से बने रहने के लिए आप इवेंट को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, जिस पर टैप करके आप डायरेक्टली पोर्टल पे विजिट कर सकते हैं और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये फीचर हमारा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो डिस्कस बटन पे क्लिक करके हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पे विजिट कर सकते हो। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे राइट रिप्लाई का सेक्शन है, यहाँ पे आप रिप्लाई करके इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं फेलो कैंडिडेट्स के साथ। ये अलर्ट प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे सारे नोटिफिकेशन सेक्शन वाइज बायफरकेटेड है। लेटेस्ट इवेंट है तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के सेक्शन में आपको इवेंट इजीली मिल जाएगा, तो आप इजीली इवेंट्स को सर्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।